क्या एक ब्लैक होल हमें निकल सकता है? क्योंकि इनकी संख्या लाखों में है और ये लगातार फैलते जाते हैं। लेकिन अगर गलती से किसी दिन गलत एक्सपेरिमेंट में एक ब्लैक होल बन जाता है तो विश्वास मानिए वो दिन पृथ्वी के लिए आखिरी दिन होगा। सब कुछ इसमें समा सकता है, पूरी दुनिया इसमें खत्म हो सकती है। लेकिन ब्लैक होल के अंदर हमें क्या दिखेगा? क्या हम इसके अंदर चले जा सकते हैं? और क्या पृथ्वी ब्लैक होल और सूरज दोनों के चक्कर लगा सकती है? और क्या हम खिंचाव के कारण मरने से बच पाएंगे? ये है एक्सेप्ट और आप देख रहे हैं एक्सेप्टेड ब्लैक होल पृथ्वी को निकल जाए। सिर्फ 3000 लाइट ईयर्स की दूरी पर एक ब्लैक होल है जो हमें डराता है, लेकिन हमें इससे ज्यादा खतरा नहीं है। और इसके जैसे लाखों ब्लैक होल हमारे होम गैलेक्सी में हैं। इनका साइज काफी ज्यादा बड़ा होता है। ये हमारे सूरज से करीब 10 से 20 गुना जितना ज्यादा बड़े होते हैं। स्टेलर ब्लैक होल एक आम ब्लैक होल माना जाता है जो कि 16 किलोमीटर के डायमीटर में फैला होता है। लेकिन इससे भी काफी बड़ा ब्लैक होल सुपर मैसिव ब्लैक होल को कहा जाता है। इसका आकार हमारे पूरे सोलर सिस्टम से भी ज्यादा बड़ा होता है और इन्हीं में से एक है सेजेरियन ए, जो बिल्कुल हमारे गैलेक्सी के केंद्र में है। तो आखिर पृथ्वी को कितने नजदीक के ब्लैक होल से सबसे ज्यादा खतरा हो सकता है? तो अगर 1 मिलीमीटर का ब्लैक होल भी पृथ्वी के करीब में रहता है तो ये पृथ्वी का अस्तित्व खत्म समझिए, क्योंकि ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण के कारण कुछ भी नहीं बच सकेगा, सब कुछ एक एक करके इसमें समा जाएगा। हाँ, उससे गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा होता है कि उससे कुछ भी नहीं बच सकता। हाँ, अगर आपको उसके पार जाना है, आपको उससे भागना है, तो आपको लाइट की स्पीड से भागना होगा, नहीं लाइट की स्पीड से भी फास्ट भागना होगा। तो अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आपके लिए मैं खुश हूँ। इसके साथ ही पृथ्वी जब ब्लैक होल पर जाएगी तो सबसे पहले पृथ्वी का एक खिंचाव आएगा। हाँ, बाहर का जो सारा वातावरण है वो नष्ट हो जाएगा, क्योंकि ये खिंचाव जो है ब्लैक होल के बाहरी ऑर्बिट के साथ ही चालू हो जाता है। लेकिन हम मान लेते हैं कि पृथ्वी ब्लैक होल के ऑर्बिट में चक्कर लगा सकती है, लेकिन पृथ्वी पर काफी ज्यादा गर्मी बढ़ जाएगी इसके कारण, और गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी अपना लगातार आकार और अपने वातावरण को बदलती रहेगी। यहाँ पर गर्मी का लेवल इतना ज्यादा होगा कि यहाँ पर जीवन जीना काफी ज्यादा असंभव साबित होगा, और भूकंप ज्वालामुखी का कहर पूरी दुनिया में छाया रहेगा, और सुनामी किसी को भी नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि पृथ्वी के प्लेटों में और कोर में काफी ज्यादा हरकत होगी। खैर, जब पृथ्वी में खिंचाव होगा तो इस घटना को स्टैग्निफिकेशन कहा जाता है। देखो, मैं आपको बता दूं कि ये खिंचाव कोई आम खिंचाव नहीं होता है। अगर आप कोई सुपर हीरो है तो ये बात अलग हो जाती है, लेकिन फिर भी आपकी जान जा सकती है। इसके लिए आपको काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होना होगा। स्टेलर ब्लैक होल में खिंचाव करीब 100 किलोमीटर दूर से ही चालू हो जाता है, लेकिन सुपर मैसिव ब्लैक होल में ये खिंचाव इवेंट होराइजन के अंदर होता है। इस खिंचाव से कोई बच भी नहीं सकता। बड़े बड़े तारे, यहाँ तक कि पूरा सोलर सिस्टम इसमें समा जाएगा। लेकिन ब्लैक होल के आने पर सभी ग्रह खिंचाव के कारण आपस में टकराने लगेंगे, और पूरा जो एस्टेरॉयड बेल्ट है वो हरकत करेगा, और सभी ग्रहों पर यह एस्टेरॉयड बेल्ट के एस्टेरॉयड गिरने लगेंगे, और पृथ्वी पर भी ये गिरेंगे। तो समझ लीजिए कि हाँ, पृथ्वी का भी काम तमाम हो जाएगा। ब्लैक होल से बचना तो दूर की बात है, अगर एक ब्लैक होल हमारे आसपास आता है तो एस्टेरॉयड के कारण ही हमारा जीवन खत्म हो जाएगा। तो हमें इसके बारे में बाद में बात करना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि ब्लैक होल हमारे पास ना आए, लेकिन जब चंद्रमा हमारे ऊपर गिरेगा तो क्या होगा, और बहुत सारे जो एस्टेरॉयड गिरते हैं तो क्या होगा। इसे करीब से देखने के लिए आप देखते रहिए एक्सेप्टेड। मिलेंगे किसी दूसरे एपिसोड में।